हेलो यूट्यूब, दिस इज़ डेली टेक नेट्स। और आज ये जो वीडियो है, ये एक जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में DSSL का, उसके बारे में कुछ देखेंगे। ये चीज़ है क्या, इसमें क्या क्या करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे क्या है। तो ये एक जो यहाँ पर है, ये प्लग है जहाँ पे हम 9 वोल्ट का इनपुट देते हैं। को दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट DC का इनपुट है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और एक वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, पावर लिखा PWR के नाम पे। तो यहाँ पे हम पावर देते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो V/Division, SEC/Division, ट्रिगर, ओके। तो ये क्या होता है, ये जनरली ये DSSL एक डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। और ये वाला जो है V/Division, मतलब V/Division, जैसे हमारा बड़ा वाला CRT ऑसिलोस्कोप में होता है। और ये एक SEC/Division, मतलब TIM/Division, और ये वाला ट्रिगर होता है, और ये ओके का होता है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक BNC कनेक्टर है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छोटा सा पिन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे फोकस करने दीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है 1 kHz, ये टेस्ट के पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे 1 kHz आउटपुट होता है, और ये जो होता है जैसे ऑसिलोस्कोप में होता है AC DC और ग्राउंड। तो चलिए इसे टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। और ये इसका डिस्प्ले है, मैं भूल गया था कहने के लिए, इसका जो डिस्प्ले है जहाँ पे ये सब शो करता है कौन सा फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है, क्या क्या दिखाता है, क्या नहीं दिखाता है। तो ऑन करते हैं, यहाँ पे इसका सीरियल देख रहा है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट आप चेक कर सकते हैं अंदर। ये इसका स्क्रीन है, तो मैं थोड़ा और फोकस करके दिखाता हूँ आपको स्क्रीन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिख रहा है, रनिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर ट्रिगर, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 1 kHz, अभी तो है नहीं 1 kHz, गलत गलती में दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, इसमें है नहीं अभी, कुछ इनपुट्स नहीं है। तो इसे निकाल देते हैं BNC कनेक्टर को। यहाँ पे 1/Division घटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं माइनस हो गया है, फ्रीक्वेंसी साइकिल जो भी है यहाँ पे भी मैक्स से माइनस पे अभी दिखा रहा है, अभी कुछ भी इनपुट्स नहीं है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, या इसका जो 1 kHz आउटपुट है यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। अभी मैंने कनेक्ट कर लिया ये BNC कनेक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका जो पॉजिटिव है वहाँ पे लगा देता हूँ आउटपुट पे, फिर देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 1 kHz मतलब स्क्वायर वेव आउटपुट है, यहाँ पे दिखा रहा है 1 kHz। ये साइकिल 1 ms का है, ड्यूटी साइकिल 50% है। तो थोड़ा घटाते हैं, बढ़ाते हैं जो V/Division है, यहाँ पे देख सकते हैं SEC/Division जब मतलब TIM/Division जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये स्विच होता है, और V/Division पे यहाँ पे होगा, देखिए। हाँ, और एक बार इसे और प्रेस करने से ये यहाँ पे स्विच हो गया, आप नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसे घटाता हूँ, बढ़ाता हूँ, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे V/Division सेलेक्ट किया, देखिए इसका जो V/Division इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये इसका एक रोटरी एनकोडर है जिसे हम एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर TIM/Division सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये उससे जूम करता है, जो आ रहा है ना आउटपुट सिग्नल का, उसे जूम कर रहा है, मतलब आप पूरा पास से ही देख सकते हैं क्या क्या कहाँ पे पल्सेस है, मतलब पल्सेटिंग से कहाँ पे स्पाइक्स हो रहा है। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बात और बात बता दूँ कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये जो DSO है ना, मैंने इसीलिए ख़रीदा था कि मैं जब भी कॉलेज में था, जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मुझे भी एक ऑसिलोस्कोप चाहिए होता था ताकि मैं देख सकूँ कहाँ पे और क्या क्या सब चीज़ें हो रहे हैं, मतलब मुझे पूरा फ्रीक्वेंसी मिल सके, मतलब एक कहाँ पे मैं कुछ फॉल्ट फाइंडिंग्स कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो इससे सिर्फ मल्टीमीटर से काम नहीं होता है, इससे ये ज़रूरी है ताकि हम वो सिग्नल्स देख सकते हैं। जैसे कि एक इन्वर्टर में हम देखते हैं ये स्क्वायर वेव है या साइन वेव है, हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ये स्क्वायर वेव आ रहा है ना, तो साइन वेव में ऐसा ऐसा साइन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कभी। तो ये ऑसिलोस्कोप बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जैसे मल्टीमीटर आप रखते हैं ना, ये ऑसिलोस्कोप भी बहुत ही ज़रूरी काम की चीज़ है। तो इसे भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं, मैंने या इसे चाइना से इम्पोर्ट किया था सिर्फ 1500 या 1400 रुपये में, आप इंडिया पे खरीद सकते हैं जिसका प्राइस है शायद 4000 रुपये है। तो बेटर आप चाइना से इम्पोर्ट कर लीजिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली, आप खरीद सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अब मैं ये बंद कर देता हूँ, देखिए
अभी कुछ नहीं आ रहा है कुछ, मतलब क्या बोलते हैं ऐसे यूफे की दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंटरफेरेंस है ना, तो इसीलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक इनपुट करके दिखाऊंगा कुछ PWMs का, आप उसे क्लियरली देख सकते हैं। एक मिनट मुझे थोड़ा इनपुट देने दीजिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कुछ PWM को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है PWM, अभी 100 हर्ट्ज लेट 1 किलो हर्ट्ज़, नहीं, 100 हर्ट्ज़ करते हैं। उसके बाद 50% पे देते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ आ रहे हैं। हम थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं ट्रांसपोर्ट डिवीज़न का। हाँ अभी आ गया है ये, वोल्ट्स पर डिवीज़न 2 पे रहने दीजिए, और इसे थोड़ा सा ट्रिगर चेक कर लेते हैं। बस अभी तो होल्ड हो गया, अभी इसे कांस्टेंट करते हैं। हाँ अभी कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 हर्ट्ज़ है, ड्यूटी साइकिल 50% है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 100 हर्ट्ज़ है, और ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% नीचे लिखा हुआ है। थोड़ा हम ज़्यादा कम ज़्यादा करते हैं। आप ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50% ड्यूटी साइकिल है, मैं थोड़ा कम बेसी करता हूँ, आप देख सकते हैं घट रहा है। अभी 10% 12% है, 7.98% है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8% है। इसका जो इनपुट है ये यहाँ पे आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। इसका इनपुट जो है, अभी ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है, अभी 100% हो जाएगा, अभी 100% हो गया, 90 से 90 वेरी कर रहा है यहाँ पे, 96 99, आप देखिए यहाँ पे भी 97% है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। हाँ बस ऐसे ही करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं। यहाँ पे आप साइन वेव भी देख सकते हैं, स्क्वायर वेव, शॉर्ट वेव, कुछ भी देख सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, मुझे तो याद नहीं अप टू हाउ मच फ्रिक्वेंसी और सिग्नल आप देख सकते हैं, पर काम का चीज़ तो है ही। तो आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आ रहा है किसी दोस्त को चाहिए तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।